दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार की सबसे बड़ी खबर के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में रविवार को कोरोना के 133 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें से पटना में 80 नए मरीज मिले हैं। राज्य में एक्टिव कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 857 हो गई है। देश में कोरोना मरीज के मामले में बिहार 14वें पायदान पर है। एक दिन पहले 198 संक्रमित मरीज मिले थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना के अलावा अरवल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर सहित अन्य जिलों में भी कोरोना की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दानापुर से मुंबई के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन का परिचालन 23 अप्रैल से प्रत्येक रविवार को दानापुर से चलाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर 24 अप्रैल से प्रत्येक सोमवार को दानापुर से आनंद विहार के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज यानी कि मुंबई के लिए आज से यानी कि 24 अप्रैल से ट्रेन चलाई जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बुद्धि नहीं है, इसीलिए कुछ भी बोलते हैं। सम्राट चौधरी को कहिए कि वह मुझे मिट्टी में मिला दे। इस तरह के शब्दों का प्रयोग मैंने कभी नहीं किया है। जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, समझ लीजिए उसके पास बुद्धि नहीं है। उसको जो बोलना है बोले और जो मन में आए करे। दोस्तों आपको बता दूं कि बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक दिन पहले नीतीश कुमार को राजनीति ग्रुप से मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। वहीं आज नीतीश कुमार इसका जवाब देते हुए कहा कि बिहार की जनता तय करेगी किसको बुद्धि है और किसको बुद्धि नहीं है। दोस्तों बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।